देखो इस तरह की बसेस रहती है। हम जाने वाले हैं यहाँ वो सामने चुरसिया बाजार चाइना। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम अमर है। तो मेरी ट्रेन है, 8 घंटे का सफर है। मतलब पुराने जख्म इन्होंने ताजा कर दिए रशिया के नाम से। काफी बड़ा स्टेशन है यार। यस। हेलो हेलो। दुनिया है दिल बालो ही। वेलकम टू बोकारो ब्राइज। चलो भैया, मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। एक ऐप है 2GIS, वो आप डाउनलोड कर लेना। आपकी काफ़ी जगह चलने वाली है, इवन रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताशकंद, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी जगह कहाँ है। मतलब पूरा रूट, इवन आपको यहाँ तक पता चल जाएगा कि बस कितनी देर में किस जगह से आ रही है और क्या क्या रूट है। देखो इस तरह की बसेज रहती है और हर सीट पर ना USB पोर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन और AC बसेज हैं, लग्जरी बसेज हैं। मात्र मुझे 1400 सोम देने, जो कि अराउंड 9-9.5-10 रुपये बैठते हैं। और मैं कहीं भी उतर जाऊँ, चाहे इस बस स्टैंड के आखिरी कोने में उतर जाऊँ। तो पहुँच गए भाई अपनी जगह पे। ये सामने चौरसिया बाजार है, चौक है कोई, इधर भी कोई मार्केट है और वो सामने है मदरसा, जो कि काफ़ी पुराना है, अराउंड 16वीं सेंचुरी का था। और यहाँ इस तरह से छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं। इस तरह से मार्केट बाज़ार हमारे यहाँ जैसे लगता है ना, वैसे यहाँ भी लगता है। इसकी वजह यही है, वो जो चौरसिया बाजार है उसके कारण आसपास सारी मार्केट्स लगी हुई हैं। और ये लगा हुआ बाजार पूरा, शॉपिंग के मामले में तो मस्त चीज़ है, मुझे लगता है ऐसा। तो इसमें से होते हुए हमने जाना सामने ऊपर। यहाँ की लेडीज ना सर ढक के रहती हैं, पूरा बुरका नहीं पहनती। ये देखो यहाँ की ब्रेड्स बहुत टेस्टी होती हैं लोग। ये देखो कितनी खूबसूरत ब्रेड है यार, डिज़ाइन बना हुआ ब्रेड पे, बढ़िया यार। खाने कोने का ही है, वैसे देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। हनी मक्खी बैठी हुई, मधुमक्खी है भाई। और फ्रूट फ्राट ये वो सब कुछ यहाँ बिक रहा है, बढ़िया यार। मतलब ऐसी मार्केट में तो देखने सच्ची बताऊँ बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को आता नहीं आता कमेंट करना। सेब से बिक रहे हैं, कितना फ्रेश लाल लाल सेब है देखना। हेलो हेलो। पता नहीं ये क्या क्या है, ये चीज़ ही है शायद। हम जाने वाले हैं यहाँ, अब बात करते हैं इसकी जहाँ हम जाने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो इमारत सी है, ये इस वक्त मदरसे है शायद। ये लगभग 20 मीटर है, लगभग 66 फिट, काफ़ी खूबसूरत है। बीचों बीच सिटी के अंदर बना है, इसके साइड में पड़ता है आपका चौरसिया बाजार, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई। शॉपिंग के लिए मस्त चीज़ है ताशकंद में, अगर आ रहे हो। पता नहीं मैं जा रहा हूँ अलाव है या नहीं है, जस्ट आई विजिट फॉर टूरिस्ट। 10,000 सोम की टिकट है, कुछ बताएंगे शायद। जो इस वक्त बनाया गया, जो स्ट्रक्चर वगैरह जो बताया जा रहा है, 1570 में बनाया गया था स्लम्स। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो मैं कहा चलो विजिट करते हैं। काफ़ी पुरानी इमारत है और स्पेशली जो बनाया गया ना, ये बना हुआ है येलो रेड ब्रिक से। और ये कलाकारी है, ये उसी टाइम की, उसी दौरान की है, 16वीं सदी की। तो भाई संभाला हुआ है, यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गया है, बड़े प्यारा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। ये इमारतें, ये स्ट्रक्चर, ऊपर वाली मंजिल है ना, ये काफ़ी बाद में डली थी। अब देखोगे ये सब ना पुराना है, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला देखोगे वो नया बना हुआ है। ब्रिक में भी फ़र्क नज़र आ जाएगा, ये पुरानी ब्रिक है, वो नई ब्रिक है। तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है ये मदरसा है। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं और हम अंदर कैमरा लेके घुस पड़े हैं। पर ये कि ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते, इसलिए हम आपको शांति से दिखाएंगे। बड़ी प्यारी जगह है, बीचों बीच सिटी के बना हुआ, बड़ा ऐतिहासिक सा। अगर आपको इस तरह की इमारतें पसंद है तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। ये ईंटें वीटें सब ये उसी टाइम की हैं, ये इसको बनाया था सुल्तान, क्या नाम था। तो थोड़ा पढ़ के बताना पड़ेगा भाई, इसको जो बनाया था ना दवेश खान ने बनाया था, इसको आज की डेट में कुकलदास इस नाम से जाना जाता है। बड़ी प्यारी सी लग रही थी इमारत, और अभी तो मतलब ये देखो ये क्लासरूम है, वो सामने चौरसिया बाजार। कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, कुछ नहीं, अकेले पढ़ रहे हैं। ये देखो आई एम फ्रॉम इंडिया। यस, ऑफन ऑफन इधर लैंग्वेज इशू रहता है, तो ये लोग कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है इंग्लिश बोलने की, पर अगर टूरिज्म प्रमोट करना है तो भैया इंग्लिश तो आनी चाहिए। ये दरवाज़ा देखो उसी टाइम का बना हुआ यार, काफ़ी खूबसूरत है। इस पर जो काम हो रखा है ना, लुक लाइक ए टर्किश स्टाइल, ये जो ब्रिक स्टोन पत्थर का जो काम हो रखा है ये उसी दौरान का यार। एक साथ में ये मॉस्क बना हुआ है, देखो मुस्लिम कंट्रीज है ज़रूर, पर लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी सारा कल्चर ना मिलता जुलता है। मुझे तो यही लगता है वे और तरीका है मिलने का, बातचीत करने का, वो तो यार अनबिलीवेबल। मतलब ऐसे मिलते हैं कि पूछो मत। मुझे एज़ कम्पेयर उज्बेकिस्तान के लोग ज़्यादा अच्छे लगे कजाकिस्तान के मुकाबले। कजाकिस्तान के लोग ना बहुत रिजर्व थे, यहाँ के लोग बहुत ओपन है। रात को मेरी ट्रेन है ताशकंद से निकल के जाने वाला बुकारा, जिसके ब्लॉग्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। ट्रेन टिकट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, आपका ट्रेन का सफर दिखाऊंगा ट्रेन कैसी रहती है। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हेलो, आर यू फ्रॉम चाइना? नाइस, आई एम फ्रॉम इंडिया। योर नेम? नीशु। ओके, चाइनीज नेम? माय इंग्लिश नेम इज लिशा। लिशा भाई, इंग्लिश नाम लिशा है। कमिंग विद योर फ्रेंड्स? ओके।
फिलहाल आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकल स्ट्रीट मार्केट। ये देखो कुकीज बिस्किट यहाँ लोग बहुत खाते हैं, बहुत। थोड़ा सा इसको वॉक करते एक्सप्लोर करते हैं। हेलो हाय। तो भाई देख सकते हो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कैमरे को देख कर, ये नहीं कि छुपते छुपाते हैं। माय नेम इज जतिन, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया नाइस। तो बच्चे देखो कितने खुश हो जाते हैं। पता नहीं ये क्या है, व्हाट इज दिस, पता नहीं क्या है भाई, मैंने तो पहली बार देखा है कुछ। इंडिया हेलो नमस्ते, क्या बात है, यू नो हिंदी? ओके मेरा नाम है, माई सेल्फ इज जतिन। यार उज़्बेकी? नाइस। इंडिया रूस्की पनिमाइचे? रूस्की? नो नो। हाउ यू नो हिंदी? नमस्ते नमस्ते। यू वाचिंग हिंदी मूवी? नो लिटिल बिट लिटिल बिट। हाँ नोट, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे लोग मिलते रहते हैं और मज़ा आता है। यार सर बता रहा हूँ, अनार का जूस ऐसे निकलता है, डाला दबा दिया, या अनार का जूस जेन्युइन वाला निकाल रहा है भाई। दे दे भाई एक, गिव मी वन। और जेन्युइन अनार का जूस है यार, पी लेना चाहिए। और पीते हैं, मीठा भी है, टेस्टी है। बस ये इसके अंदर कोई कीड़े वीड़े ना हो, वो भी बेचारे पिस पुस जाएंगे साथ में। मूंगफली दिख गई भाई, मूंगफली सीड्स बहुत खाते हैं, भुट्टे ही बहुत खाते हैं लोग। 5000 सोम का है। यहाँ नॉनवेज मिल रहा है, यहाँ फिश बिक रही है, तो यहाँ रोटियाँ नहीं खाते, ये ब्रेड सी खाते हैं, देख रहे हो भाई। इसमें ना स्मेल आ रही है अचार जैसी, ये कुछ वही है, चटपटा सा है, लेडीज लेके जा रही है। क्या है भाई बताना कमेंट करके, व्हाट इज दिस? आसिफ पता नहीं भाई, थोड़ा सा बारान बारान बारान, पता नहीं भाई क्या होता है, ये तो मालूम नहीं क्या है यार। किसी ने देखा खाया तो बताना मुझे। नाइस टू मीट यू। खाने को ये समोसे समोसे बेचते हैं भाई। मेन चुरसिया बाजार जो अंदर वाला, अगर आप देखना चाहते हो डेफिनेटली मेरे ब्लॉग में चेक कर सकते हो। इंडिया भारत? यस यस भारत। नमस्कार, मेरा नाम अमर जो। ओह नाइस। यू आर मैं विद्यार्थी है अरियंटल यूनिवर्सिटी। भाई यू लर्निंग हिंदी? मैं हिंदी भाषा और इंग्लिश अंग्रेजी भाषा पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? थैंक यू, गुड लक, नाइस टू मीट यू। तो भाई देख लो लोग कितने अच्छे हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। टिकट है 1400 सोम के, और मेरे पास 1,00,000 का नोट है भाई, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इन्होंने मेरे पैसे दे दिए, देखो ऐसे भी लोग हैं। और अभी हम जा रहे हैं निकल के यहाँ से रेलवे स्टेशन। तो और ये कि अभी हम जा रहे हैं बस लेने, और आपको लेके जा रहे हैं बुखारा। बुखारा यहाँ से अराउंड 580 किलोमीटर के आसपास है। अभी तक फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा है तो मेरी ट्रेन है, 8 घंटे का सफ़र है। ट्रेन टिकट मैंने कैसे बुक करी, कहाँ से बुक करी, ये सारी डिटेल आपको स्टेशन जाके बताऊँगा। भाई बस पर चढ़ गए, मैंने कार्ड पंच कराया, कार्ड से हो गया। ये देखो ये डिलीवरी करने जा रहे हैं भाई, और साइकिल लेके बस में चढ़ गए। बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर। ये भाई ये कोई वेगा सेंटर है, जस्ट उसके सामने ही है स्टेशन। वैसा स्टेशन तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ताशकंद जुनबली एंट्री कहाँ से? अब काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। कुछ अंदर से स्टेशन इस तरह से है, ये शायद चिल्ड्रन मदर एंड रूम है कुछ बच्चों बच्चों का। तो देखते हैं, वेट करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था हार्ड कॉपी निकलवा के देंगे शायद ये। तो फाइनल हो गया भैया, कोच नंबर 10 है, सीट नंबर 6 है, और प्लेटफार्म नंबर 1 है। तो ये प्लेटफार्म है, एक वैसे ट्रेन लगी भी हुई है, और खाने खुने को भी अपने पास टाइम काफ़ी है, और बैठने का भी अच्छा हिसाब था भैया। तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्टेशन। ये है ताशकंद का स्टेशन, प्लेटफार्म नंबर 1 ये रहा, और एक ट्रेन ऑलरेडी लगी भी हुई है यार। ट्रेन मेरे ख्याल से सिमिलर ही है जैसे कजाकिस्तान की थी, और ये अपना स्टेशन है, प्लेटफार्म नंबर 1 दिस ना। ओके तो चलो जब तक अंदर बैठते हैं। सलाम। तो भाई पूछ रहे थे इंडिया से, दिल्ली से, मैं दिल्ली से नमस्ते भी कर रहे हैं। देखो ये मुझे एज़ कम्पेयर कजाकिस्तान से तो बेटर लगी, क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान में बुकिंग का सिस्टम नहीं था, यहाँ पे मैं बुक कर ली ऑनलाइन, शायद वहाँ भी हो सकता था ऑप्शन। यहाँ तो इसने वो डॉक्टर साहब ने बता दिया अशोक ने कि भैया कर लो, तो इसलिए मैंने कर ली। कह रहा था कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं ठीक है। स्टेशन काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत है, देख रहे हो काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार, और वेटिंग के लिए भी अच्छा है। खाने पीने का ऑप्शन भी है, और सस्ता तो है ही, आपको जैसे बता चुका हूँ। और चीपेस्ट कंट्री है मेरे हिसाब से, अभी तक मैंने जितना ट्रैवल करा है उस हिसाब से। मैंने टिकट बुक कहाँ से करी, उज़्बेकिस्तान रेलवेज, इसकी एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना, वहाँ से आपकी टिकट बुक हो जाएगी। टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग प्राइस है, और मेरा जो सफ़र है यहाँ से रहने वाला है 550 प्लस ही है भाई, और 8 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने इसलिए रात की ट्रेन इसलिए बुक करी क्योंकि मैं सुबह पहुँचूंगा, मेरे पास पूरा दिन भी होगा। अदरवाइज दिन की टिकट थी सस्ती थी, मैं रात को पहुँचता तो कहाँ धक्के खाता। तो थोड़ा टाइम से पहले आ जाओ तो वेल एंड गुड है, मैं टाइम से पहले इसलिए भी आ गया। एक तो अपना हॉस्टल बिल्कुल बकवास था, मैं सोचा सामान रख के, मैं जब जैसे पहुँचा तो पूछने लग गया भाई साहब कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो। मैं कहा यार
तेरे यहाँ पे रुका हूँ, तू थोड़ी देर मुझे बैठने में दे रहा, कह रहे नहीं यार भाई दिमाग खराब कर दिया। मैं कहा चल छोड़ो यार, मैं क्या ही रिकमेंड करूँगा ऐसे हॉस्टल को कि आप लोगों को कल को परेशानी हो और आप मुझे गालियाँ दो, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं वही प्रॉपर्टी रिकमेंड करता हूँ जो प्रॉपर्टी वाकई में अच्छी और सस्ती भी होगी तो अच्छी भी होगी, और महंगी भी होगी अच्छी होगी तो भी रिकमेंड कर दूंगा। और उसके अलावा मैं आने वाला हूँ वापसी में समरकंद, समरकंद पहले पड़ता है फिर पड़ता है बुखारा, तो आपका भाई घुमाएगा आपको बुखारा, तो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। तब तक कुछ खा पी लेते हैं और आपको ट्रेन जर्नी दिखाते हैं उज़्बेकिस्तान की। 1000 रुपये टिकट पड़ी है, वैसे 500-600 में भी टिकट मिलती थी, आप करना चाहो। अगर बस में जाना चाहो बस भी जाती है। और स्टेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खाने खुने को देख लेते हैं अभी टाइम काफ़ी, तो मैंने सामान यहाँ रखवा दिया। तो सोच रहा हूँ यार यहाँ जो इनका जो है ये स्टेशन काफ़ी फ्रेश है, फ्रेश यानी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बढ़िया। तो अभी खाने खुने का ऑप्शन देख लेते हैं खाने का क्या है, टेंशन फ्री होकर ट्रेन में बैठेंगे। और मैं चिकन पैटी ले ली है, और तो कुछ समझ नहीं आया, जो मैंने खाई थी कजाकिस्तान में उससे मच बेटर है। वो तो समरकंद, समरकंद पर ये आंटियाँ दादियाँ ये वहीं जा रही हैं। यहाँ एक लड़की बैठी थी बड़ी देर से, तो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये रशिया जा रही है, 2 दिन की ट्रेन जर्नी है यहाँ से। फिर रशिया वाले मतलब पुराने जख्म इन्होंने ताज़ा कर दिए रशिया के नाम से। तो ये जा रही है रशिया और वो इंग्लिश समझती है। ट्रेन है 11:10 की, सुबह 7 बजे पहुँच जाना है। अगर सोने का सिस्टम रहा तो सोएंगे, वरना हालत ख़राब होने वाली है। दो दो लड़कियों से बात कर रहा हूँ पर दोनों को शूट नहीं कर सकता, एक के हस्बैंड रशिया में पढ़ते और एक रशिया में रहते, और ये जो रहती है ना वो बिल्कुल ऊपर से घूम के नीचे अजरबैजान और जॉर्जिया लगता है वहाँ रहते हैं। भाई इन्होंने तो मजाक कर दिया, पहले कहते एक नंबर पर आएगी, वेट कर रहा था, अब 10 मिनट रह गए हैं तो कह रहे हैं 3 नंबर पर आएगी। ये बाईपास सा बना रखा अंदर से जमीन के अंदर से, ये तो ट्रेन छुड़वा देते भाई मेरी। हमारे यहाँ ऊपर से जाते हैं, यहाँ नीचे नीचे से अंडरपास बना रखे हैं इन्होंने। भाई दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हैं, इधर भी और इधर भी। अब इनसे पूछते हैं भाई 10 नंबर है, 18 पे खड़े हैं अभी। फिर ट्रेन छूट जानी थी। हेलो हेलो, शायद 10 नंबर यही है। ओके भाई यही है, थैंक यू। चलो भाई ट्रेन जर्नी करते हैं शुरू। ये तो स्लीपर ही है, स्लीपर ही है भाई। Yes, India, India. Yes. Hello, Hindustan. Hello. Hello. तो वही ट्रेन तो वही है, मुझे लगा था वो नहीं है, स्लीपर नहीं है। बुखारा 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 यस। अभी देखो इंडिया के नाम से कितने खुश होते हैं। थैंक यू माय सीट नंबर इज 6 6 यस भाई। ऊपर की सीट है, बिस्तर लगे हुए, चद्दर चुद्दर देंगे मेरे ख्याल से और फिर करते हैं बात। और मैं सोच रहा था सिटिंग वाली है, सिटिंग स्लीपर है यार, ये भी ठीक है, नींद हो जाएगी पूरी। शीश ट्रेन मैं सोच रहा था कुछ अलग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है ट्रेन सारी। अगर आपने मेरे पीछे व्लॉग नहीं देखे कजाकिस्तान वाले जिसमें ट्रेन जर्नी दिखाई है, जस्ट सिमिलर वैसी है भाई। टाइम टू टाइम ट्रेन स्टार्ट होकर चल भी पड़ी है, ये देखो। अगर मैं और 2-3 मिनट लेट होता ना भाई ट्रेन छूट जाती है यार। ये 2 ही होती हैं सीटें यहाँ पे, हमारे यहाँ तो सेकंड क्लास होता ना वैसे सिस्टम है, पर यस यस सिक्का मत देता। बोलो हेलो भाई, यहाँ पे ना गाने वाने गा रहे हैं बढ़िया। बड़ी हिंदी मूवीज देखते हैं यहाँ के लोग, बहुत शौकीन है। जैसे एंटर करते देखा ना ये गाना सुना रहे बड़े से, गोरों के ना कालों की, गोरों की ना तालों की, दुनिया है दिल बालो ही, हसीके किए हसीके मने हंजे है दिल बालो की, हो दुनिया है दिल बालो की। भाई अच्छा है यार, मतलब लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियंस को, मज़ा आएगा। तो भैया यहाँ पे ना ये सिस्टम है, चद्दर तकिए का गिलाफ टावल सा तय वह लगा के बिस्तर विस्तर करना है और जाते हुए वापसी करके जाना है। ये सिस्टम ऊपर सामान रखने का और इनका सामान रखने का इनकी सीट के नीचे है। तैयारी करते सोने की, पॉइंट या तो बिल्कुल आगे बिल्कुल पीछे है, टॉयलेट 2 बने हुए, एक आगे एक पीछे। गर्म पानी की मशीन लगी होती है जिसमें आप अपने कप नूडल्स वगैरह बना सकते हैं, कप लेना हो तो कप दे सकते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है। और इस तरह से सामान रखने का ऊपर होता है, ये बीच में एक टेबल लगा होता है, ठंड लगे तो ऊपर कंबल होता है। भाई ये गर्म पानी की मशीन रहती है, ये एग्जैक्टली एक इनका डिपार्टमेंट रहता है, यहाँ कप आप धो सकते हो, यहाँ टॉयलेट है, साफ सुथरा, बड़ा सिंक लगा हुआ है, ये साफ सुथरा है, तो बाकी सब बढ़िया है। सोना चाहिए। वेलकम टू बुखारो ब्राइज, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है यार। ठंड होगी है और अंदर चल के थोड़ा सा ना जैकेट वैकेट निकालते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है एक्चुअली में। कुछ ऐसी ट्रेन है, ऑलमोस्ट सारी जगह की ट्रेन ना सिमिलर है, ऐसी कजाकिस्तान में, ऐसी रशिया में, ऐसी उज़्बेकिस्तान में। चलो अभी हवा चलती है तो अंदर चलते पहले। तो अंदर से ट्रेन स्टेशन कुछ ऐसा है, बढ़िया बना हुआ है, थोड़ा बैठेंगे फिर निकलते हैं आराम से। यार ये कुछ
बाहर का नजारा है। ये खूबसूरत सी सिटी नजर आ रही है यार। ये आपका स्टेशन है इसका, जैसा ताशकंद में बना था ना सेम टू सेम बना रखा है वैसा। जो मेन सिटी सेंटर मेरे ख्याल से यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। काफी खूबसूरत है, काफी बड़ा गार्डन बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। वहाँ से निकले हैं भाई, भाई कुछ बना रहा है, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। शायद ये बॉल्स ही है, मटन है एक्चुअली, अभी फ्रेश वगैरह भी नहीं हुए ना। यहाँ लोकल बस चल रही है क्योंकि बाहर ही स्टेशन मिल जाएगी, सिटी लेके जा रही है। सिटी तक चलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। जो स्ट्रक्चर वैसे बिल्डिंग नहीं है। तो भाई बस ने थोड़ा सा आउटर उतार दिया था, तो फिर अब मैंने कर लिया है यहाँ की टैक्सी Zendex. A few moments later. So guys, finally मैं पहुंच गया अपनी प्रॉपर्टी में। मैंने ऑनलाइन देखी थी, मुझे लगा था ऑनलाइन से थोड़ा कम प्राइस मिल जाएगा, वैसे ही हुआ। अब मुझे मिली है $6 में। तो फिलहाल तो ये समझ लो कि एक फैमिली है, उन्होंने घर के अंदर ही बना रखा है, कुछ इस तरह का है सिस्टम। और मैंने ये वाला बेड लिया है, और कोई नहीं है फिलहाल, और टॉयलेट अंदर की तरफ है। वैसे तो मुझे प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा और सस्ता भी मिल रहा था, पर ये भी ठीक है यार। $6 कितना हो गया, 450 रुपए का बेड पड़ गया, ठीक है विद ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक सिस्टम रहता है यार, ये आपको चद्दर वगैरह दे देते हैं, खुद ही डालो, पिल्लो कवर वगैरह डालो। बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है, आपको उठने के बाद थोड़ा सा विजिट कराऊंगा, थोड़ी डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है और आपको घुमाने वाला हूँ बकैरो। बहुत ही ओल्डेस्ट टाउन है, खूबसूरत है, मज़ेदार है, उम्मीदों पे मेरे ख्याल से खरा उतरेगा आपके भी और मेरे भी। जिंदगी छोटी सी और दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय 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 बाय।